आओ आगे बढ़ते हम लोग, तुम लोग खाली बकवास बात करने लग जाते हो। 39 देखो, आओ 39। On 1st January 2008, a life insurance company issued a number of without profit मतलब बोनस का कोई झमेला नहीं है, थैंक गॉड बोनस का कोई झमेला नहीं है सब में। विदाउट प्रॉफिट एंडाउमेंट पॉलिसीज मैच्योरिंग एट एज 60 टू लाइफ देन एजेड 40 एग्जैक्ट, द सम एश्योर्ड इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ और ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द टर्म and level premiums are payable annually in advance throughout the term of the contract. Premiums and reserves on each policy are both calculated on the following basis: AM92 select 4% per annum, initial commission, renewal commission. Calculate the annual office premium. Hey, suno, calculate the annual office premium per 1000 sum assured for each policy. आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि इसका क्या होगा? अब ये वाला का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहां से आएगा, यस बताओ तुम बताओ। बी वेरी कॉन्फिडेंट वैल्यू आंसर, नहीं नहीं आंसर नहीं चाहिए था, करे कैसे, वीडियो वाले बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ पी एडीयू 40 सेलेक्ट 20 इक्वल टू बताओ, हाँ ऐसे इक्वेशन बताओ पूरा, 1000 A 40 सेलेक्ट 20। एक मिनट रुके आप थोड़ा, हाँ प्लस 0.6P प्लस 0.06P एडीयू 20। यही है क्या? ठीक है, हो गया, बोलो ना। हाँ ओके, यहां से मेरा प्रीमियम आएगा, इसके बाद में क्या बोला है देखो, ग्रॉस प्रीमियम प्रोस्पेक्टिव रिजर्व और फिर हम लोग को निकालना है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस टू द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज गिवन द फॉलोइंग। अच्छा ये जो प्रॉफिट लॉस है पता है कौन सा प्रॉफिट लॉस है? टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस है। एंड टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस कैसे आता है? फंड्स अवेलेबल कितना है माइनस फंड्स रिक्वायर्ड कितना है। ठीक है, हाँ तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस कहा? अरे वो विदाउट प्रॉफिट मतलब पॉलिसीज में कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, ये तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। सुनो प्रीमियम आ गया, तुम लोग क्या करोगे? आई गेस दे आर टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर का बात हो रहा है बेटा, सेकेंड वाले में नहीं होता है। आप ये बताइए कि कौन से वाले साल का बात हो रहा है, तब मैं आगे बढ़ूंगा ना। तुम लोग पूरा सम पढ़ा क्या? थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस कौन साल का निकालना है? आप देखो इधर देखो सब लोग, इधर देखो ये 5 है ये 6 है, तो V5 और V6 निकालना है। पहले तो ये निकालो, अरे जो V5 V6 निकालेंगे ना पर 1000 के लिए, पहले तो ये निकालो, चलो स्टार्ट करो। पर 1000 के लिए V5 एंड V6 निकाल लो, चलो फटाफट। प्रोस्पेक्टिव रिजर्व, हाँ हाँ V6 भी निकाल लो।
ये बहुत अच्छा समय पता है, तुम हंस रहे हो, हंसो, तुम रो रही हो, क्या हुआ भाई? हो गया क्या? तो आने दीजिए, आने दीजिए, डरते थोड़ी, आने दीजिए, देख लेंगे। राउंड ऑफ क्यों करना है? तीन चार डेज में प्लस देख लेंगे। ये लोग से मेरे को मतलब नहीं ना, वी डोंट हैव एनी ट्रैप्स विद देम ब्रो। क्या बोले थे हम सिखाए थे यूनिटरी मेथड कैसे लगाएगा। सुनो, इफ द आंसर इज 7 पॉइंट समथिंग तो चार डेसिमल प्लेस, इफ द आंसर इज 166 पॉइंट समथिंग देन यू विल टेक 3 डेसिमल प्लेस, इफ द आंसर इज 10274 देन 2, उसके बाद मान लो लैक्स या फिर 10 लैक्स में, तब आप वो फिगर ओपनली ले सकते हो उस तरीके से। 36.98 लेके करेंगे। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आंसर हम लोग का ज्यादा सही है, वो लोग आंसर सही है, ऐसे कौन बोला? ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ अब सुनो, इधर ए क्या सब जाओ सुनो, V5 V6 आ गया, अब आगे बढ़ेगा। कितना टाइम लग रहा है भाई? देखो ये कुछ कर नहीं रही, तुम क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? कब हुआ? नहीं जाएगी नेक्स्ट वीक, मैम बोलिए कल आके तुम लोगों को थोड़ा गाइड करेगी। इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स आईसीआईसी इज द बेस्ट कंपनी एक्चुअली, आईसीआईसी प्रूडेंशियल। मेरे को नहीं लेगा वो लोग। सुनो हो गया गेला। अब जो लोग का नहीं हुआ है ना, मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बता रहा हूं लाइफ में, शॉर्टकट वो लोग लिख लो, V5 कितना है और V6 कितना है, मैं बता रहा हूं। V5 है 166.27 एंड V6 लिख लेना 207.88 पॉइंट जो भी आ रहा है, तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब हम लोग मेन सम में आते हैं, अब एक एक करके सारा पॉइंटर्स पढ़ो। तुम पढ़ो पहला पॉइंटर, पढ़ो क्या लिखा पहला पॉइंटर, जोर से बोलो। देख के बोलिए, बहुत भारी अमाउंट है, इतना ही आप लोग को मिलने वाला है। 15500000 यही है ना। अब सुनो, हजार के लिए कितना प्रीमियम है, हजार के लिए कितना प्रीमियम बताना, 36.98 तो इतना के लिए कितना प्रीमियम होगा, डिवाइड बाय 1000 into करो, कैलकुलेट करो। चलो फर्स्ट प्रीमियम्स फॉर इतना सम एश्योर्ड लिख दो, प्रीमियम्स फॉर इतना एंड रिजर्व हेल्ड एट टाइम 5 फॉर इतना सम एश्योर्ड, बिकॉज मैंने रिजर्व कितना के लिए निकाला था, पर 1000 तो 15500000 के लिए कितना होगा, मेरे को तो बोलने में भी नहीं आ रहा इतना। प्रीमियम तुम लोग निकाल लिया, प्रीमियम निकालो और रिजर्व निकालो। अब देखो एक्सपेंस के लिए एक पॉइंट बोला है, इशिता पढ़ो तो एक्सपेंस के लिए क्या पॉइंट बोला है, जोर से बोलो।
76,500. 76,000. ठीक है, प्रीमियम आया, रिजर्व था, मेरे को देखो, प्रीमियम आया, रिजर्व था, माइनस एक्सपेंस, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फंड्स, देखो पॉइंट दिया होगा, लास्ट पॉइंट 3 पॉइंट. तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, फंड्स अवेलेबल आ जाएगा, बोलो. हाँ, तुम लोग देखे मैं किस तरीके से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, पहले बोला कराया क्वेश्चन नंबर 4, फिर 16 करा, इस तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा ना वो सक्सेस होगा. तुम लोगों को रिलेट करके आना चाहिए, जब एक टॉपिक पकड़ा तो उसको पूरा एकदम लाइन से समझ करो. वो कब पता चलेगा पता है, जब फर्स्ट टाइम जब करें तो मार्किंग कर लो, किसका दिए करना, इसका दिए, प्लॉटिंग बोलते हैं इसको, सेम टाइम में डबल एफर्ट, मतलब से जल्दी जल्दी समझ बन सकते हैं. ठीक है, तुम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट किया फिर मतलब उसका थोड़ा ब्रेक हो जाता है, फिर कुछ और करते, वैसे नहीं होता है. मतलब अभी तो बता रहे हैं, तो एक बार और करेगा. तुम बोलो यस. तुम समझे नहीं, मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे इतना समय शॉर्ट था, 1000 के लिए इतना है, तो उतना के लिए कितना होगा, सारा कॉमन है, वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना वो सब कॉमन है, सेम टाइम पे इशू है सारा. ठीक है, हाँ, इसीलिए अभी सुना. अब सुनो, अब देखो यहां पर ना क्या बोला, कितने लोगों को डेथ क्लेम दिया मैंने, ध्यान से सुनिएगा, 15,500 इतना में से मैंने कुछ दिया है, 2,95,000 को तो डेथ क्लेम दे दिया, बोलो. हाँ, अच्छा, कितने के सम एश्योर्ड लोगों को सरेंडर बेनिफिट दिया, 6,00,000, कौन बात कर रहे हैं, 6,25,000. लेकिन सरेंडर बेनिफिट है क्या, प्लीज पढ़ना एक बार, रजत पढ़ो तो जोर से, उठ जाओ बाबू, उठ जा, जाग जाओ. हाँ, अरे पढ़ वो रिजर्व वाला पॉइंट, धीरे धीरे धीरे, हौले 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 हौले, प्यार हो जाएगा नहीं तो, जल्दी हौले हौले पढ़, हौले हौले पढ़. एज 85% एप्लीकेबल एट द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू. तो सरेंडर वैल्यू देंगे कब, सरेंडर वैल्यू देंगे कब, एंड ऑफ द ईयर, उस समय का रिजर्व ना, टाइम 5 का रिजर्व, उस समय का. ठीक है, फिर से पढ़ क्वेश्चन, ये लोगों को समझ में नहीं आया, लास्ट वाला लाइन फिर से पढ़ना, 85% से, 85% क्या गजब लिख दिया. आहा, अब देखो, अब रुक जा, देखो हिंदी में देखो, मैं बोल रहा हूं 6,25,000 के लिए निकालना है, बट मैंने निकाला कितना के लिए था, 1000. रिजर्व पूरा दे देंगे क्या, कितना देंगे, 85% इंटू 85% इंटू V6, इतना मैंने क्या दिया पे आउट. ठीक है, निकालो खर्चे, निकालो भैया खर्चे, निकालो निकालो निकालो, कितना बच्चा समझ ले, मार्क्स देखिए तो इसका, मार्क्स देखिए 14 इज माय बर्थ डेट. वेरी गुड, 110,448, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट, 448. ठीक है, जो भी आ रहा आप लोग का, हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकते हैं, किसी का 4-4 आ रहा होगा, क्या चीज, मेरे को अंदर से फील आ जाता है. हाँ, 4-3-6 मैं बोला ना, थोड़ा हल्का सा मेरे को अंदर से आने लग जाता है. अब सुनो आगे बढ़े क्या, सर एक बात बताइए, सब मेंशन में ना बहुत छेड़छाड़ हुआ है, बोलो. हाँ, छेड़छाड़ हुआ है, क्या क्या छेड़छाड़ हुआ, देखो तो 15,500,000 माइनस, क्या चीज, माइनस 2,95,000 तो दे दिया,
और कितना समय शॉर्ट कम हो गया, 6,20,000, कोई देख नहीं रहा एग्जाम में, सब गलती करके आएगा, -6,25,000 का समय शॉर्ट कम हुआ है। समय शॉर्ट क्या है इनका वो बताओ, कितना आएगा बताओ, 14,58, देख लो भैया बहुत, हाँ ठीक है। अच्छा इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक रुको पूर्ति बोलो, इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व, ईयर के स्टार्ट वाला ना, ईयर के एंड वाला, ये क्योंकि ये 14, देखो ढंग से देखो, ये 14,580,000 है, मतलब बोल रहे थे एंड वाला, ठीक है। तो अगर 14,580 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वो जो था, तो ईयर एंड का रिजर्व आ जाएगा, निकाल लो, कितना है बताइएगा, 3,027,537, इतना आ रहा क्या, हाँ 3030 भी सही है, 3031, हाँ ठीक है, तो राउंडिंग में एरर हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, अरे भाई वॉल्यूम में तो देख कितना ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3027 कैसे आ रहा है फिर, गलत है जैसिका का, फिर सॉरी जैसिका, 3031, जनता जो बोलेगी वही होगा, अब कौन बोला नहीं, लो यार तुम लोग ले लो, तुम लोग यार सच्ची बोल रहे, मतलब लो बस फिल इन द ब्लैंक्स। अब सुनो, ठीक है सुनो ना तुम, ये हो गया। अब सुनो, फंड्स अवेलेबल कितने, सुनो ध्यान से, प्रीमियम आया, एक्सपेंस चला गया, एंड रिजर्व टाइम 5 का, उसको एक साल आगे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, फंड्स अवेलेबल, एंड फंड्स रिक्वायर्ड कितना है, देखो ध्यान से, सर 2,95,000 प्लस जो मेरे को ये रिजर्व बनाना है, कॉपी पेस्ट, प्लस 110,448, और मैं कुछ भूल रहा हूं क्या, करो देखो, मोर्टालिटी प्रॉफिट आ रहा है कि मोर्टालिटी लॉस आ रहा है, ना का लॉस, माय गॉड, 448, नहीं वो ठीक है, वो तो ये सर पहले ही हो गया था, अभी तुमको ये निकालना है, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस कैसे निकालते हैं, मोर्टालिटी बोल रहे, भूल से निकल गए मुझसे, कैसे निकालते हैं, फंड्स अवेलेबल माइनस एफए माइनस एफआर, ठीक है ये निकाल लेना, इसका ब्रेक है, निकालो अभी से, ब्रेक मत ले लेना, पहले निकाल लो इसको, बोलो क्या बोल रहे हैं, क्या चीज, सरेंडर मतलब हम बोल रहे हैं मेरा भैया औकात नहीं और देने का, तुम देख लो, ले लो अपना पॉलिसी ले लो, हाँ नहीं इतना पैसा दे नहीं सकता हूँ, तुम इंश्योरेंस कंपनी बोले मेरा पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम बोले पूरा पैसा तो देंगे नहीं, जो रिजर्व तुम्हारे नाम पे बनाया था उसका 85% देंगे,